हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल। चलिए आज आपको स्मार्ट तरीका बताता हूँ टमाटर बीटरूट शोरबा बनाने का। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि कुछ चीजें हैं आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, बहुत ज्यादा समय तक नहीं, बट मीज़ाप्लाई यानी तैयारी करके रख सकते हैं। उनमें से बीट एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको आप बॉईल करके छिलका उतारना नहीं है, वो बिना छिलका उतारे आप रेफ्रिजरेटर में अच्छे से पैकेट में रख सकते हैं, ठीक है जी। एंड जब जरूरत पड़ी निकाला, आपने पील किया और यूज कर लिया। तो यहाँ पे भी मैं बीटरूट बॉइल यूज कर रहा हूँ, लेकिन स्मार्ट तरीका है, उसके लिए क्या करेंगे? ओ जी, सबसे पहले हम ब्लेंडर ले लेते हैं, मिक्सर ब्लेंडर। तो यहाँ टमाटर ले लेते हैं, ये 5 टमाटर लिए, मीडियम साइज। ये जो रेसिपीज है ना, ये सर्दियों में बारिशों में बड़ी अच्छी लगती है, थोड़ा कड़क बनाएंगे तो अच्छा लगता है ना, मजा आ जाता है। ये दीजिए, अब इसमें एक बड़ा बीटरूट बॉइल्ड ये डाल लेते हैं, ऐसे 2 डाल लेते हैं। चलिए 2 बीटरूट, ये छोटे साइज के बीट जनरली अलग अलग प्रकार के मिलते हैं मार्केट में, बड़ा मुश्किल है स्टैंडर्डाइज बीटरूट ढूंढना, सब कभी इतने बड़े कभी इतने छोटे ऐसे होते हैं। तो इसको एकदम प्यूरी कर लेते हैं। चलिए जी, पीस लिया हमने प्रेशर कुकर। और मैं ये स्मार्ट तरीका क्यों अपना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई साहब आप भी किचन में एंटर करिए और बढ़िया वाला शोरबा बना के परिवार को पिलाए, राइट। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर में तेल डाल लेते हैं, लगभग 1.5 टेबलस्पून, 1.5 बड़ा चम्मच तेज पत्ता, 1 छोटा चम्मच जीरा, रुकेंगे नहीं, दालचीनी 1 इंच टुकड़ा, ब्लैक पेपर कॉर्न 1 छोटा चम्मच, लौंग के दाने 4-5, खड़ा धनिया स्टैंडिंग कोरिएंडर, आई ऑलवेज लव दिस, 1 बड़ा चम्मच स्टैंडिंग कोरिएंडर, खड़ा धनिया, ये धनिए के जड़ जो कि बकरी को देने वाले थे, अब आप इसमें डाल दें। और यहाँ पे हरी मिर्चें, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज जो मैं बना रहा हूँ, अदरक ज़्यादा डालें, क्योंकि सर्दियों और बारिशों में अदरक प्रोटेक्ट करता है आपको, ठीक है। लहसुन 1 छोटा चम्मच डालें, इसको भून लें थोड़ी देर तक, उसके बाद मसाले डाल लेता हूँ। देखिए बढ़िया हिंदुस्तानी तरीका, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, आप सोच रहे हैं तो तरी बन रही, नहीं भाई साहब तरी नहीं बन रही है, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, बेसन 1 बड़ा चम्मच, डल गया, कुछ कुछ लोगों को बेसन से एलर्जी होती है, मत डालिएगा, थोड़ी देर भून लेते हैं ताकि बेसन का जो कच्चापन है वो चले जाए, ये 1 मिनट तक भून लें। साथ ही साथ नमक डाल लेते हैं, नमक डालते वक्त आप करिए टन 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 टन, क्या बात है, वाह, धुन वही, बस गाने का काम आपका, ठीक है जी। ये लिखिए, ये हमने बीट और टमाटर लिया, ये डाल दिया, और बिना शर्माए हाय हाय क्या बात, ये इसमें डाल लेते हैं, पानी थोड़ा और डाल लेता हूँ मैं, ये समझिए कि 4 कप पानी डाल दिया हमने, 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा, ये हो गया बढ़िया। अब इसको बंद कर दिया, अब करिए करिए करिए, और उसके बाद 4-5 विसल हो जाएंगे, शोरबा तैयार, थोड़ा सा फिनिश करेंगे लास्ट में, कुछ और डालेंगे। चलिए जी, 4 विसल के बाद ये देखिए कंसिस्टेंसी बहुत ही बढ़िया। अच्छा, स्मार्ट तरीका क्या है कि आपने पीस के सीधा डाल दिया, बीटरूट भी उबला हुआ था, टमाटो पीस के डाल दिया, ज़्यादा समय नहीं लगता,
जिनको लगता है कि प्रेशर कुकर में नहीं पकाना है, नॉर्मल टोप में पकाना है, बर्तन में पकाना है, आप बर्तन में भी पका सकते हैं। मैक्सिमम 6-8 मिनट में ये सूप तैयार। अब इसमें दो ऑप्शन है, आप इसको ऐसे ही छान के पी सकते हो, या नॉर्थ इंडिया में जैसे लोग बटर और क्रीम और चीज़ को हेल्दी मानते हैं, वो लोगों के लिए ये ऑप्शन है। क्रीम डाल सकते हैं, ये डाल दिया जी, खुश कर दिया सभी को, मज़ेदार हो गया जी। अब इसको हम सीधा लेंगे और छान देंगे। वाह, सारे फ्लेवर्स एक्सट्रैक्ट हो गए, वाह जी वाह। लो जी, बहुत बढ़िया शोरबा तैयार, सूप बढ़िया, वाह जी वाह। थोड़ी सी क्रीम डाल लें, जरूरत है नहीं वैसे, और ये देख के मुझसे रहा नहीं गया, मैं अपना बोल ले लेता हूँ बढ़िया वाला। किचन में ऐसे ही होता है, जो मिलता है उसमें ले लें और टेस्ट कर लें। हाँ हाँ, आई टेल यू दिस इज आउटस्टैंडिंग। बारिश सर्दियाँ, ये दोनों मौसम के लिए ये शोरबा एकदम परफेक्ट है। टमाटर बीटरूट का शोरबा एकदम स्मार्ट तरीके से हमने बनाया है, पिएंगे दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। वाह।